प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो आपने तो अभी रिविजन कर लिया, या फिर कोई कोई है जो अभी रिविजन कर रहे हो, क्योंकि ये फाइनल टाइम है रिविजन करने का, डेढ़ मंथ लगभग बाकी है, तो इस टाइम पे आपको रिविजन फुली एनर्जी से करना चाहिए और छोटी छोटी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी होंगी। तो रिविजन करते वक्त जब आप रिविजन कर रहे हो, एट द सेम टाइम आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना चाहिए कि आप जो रिविजन कर रहे हो वो क्या सही है, क्या आप जो पढ़ रहे हो, क्या आप जो रिविजन कर रहे हो, क्या वो ही सिलेबस में है, क्योंकि IIT जैम में बहुत चीज़ें हिडन होती हैं, ये आपको सबको बताएं। आपको सही क्वेश्चंस हमेशा हेल्प करेगा एक पार्टिकुलर एग्जाम के लिए। अगर आप IIT जैम को नेट, गेट और अदर एग्जाम के साथ कंपेयर करो तो हर एग्जाम का अलग अलग सिलेबस होते हैं। तो IIT जैम के लिए आप नेट का क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर सकते, IIT जैम के लिए आप गेट का क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर सकते, IIT जैम के लिए आपको IIT जैम के लेवल के क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और इसके लिए इजी केमिक्स आपके लिए लेके आया है पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज। अभी तक पूरा का पूरा चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज जो होता है वो अपलोडेड है, और एट द सेम टाइम दो फुल मॉक टेस्ट भी प्रेजेंट है। अगले एक से दो हफ्ते में आपको 100% पूरा 1740 क्वेश्चंस प्रेजेंट होंगे उस मॉक टेस्ट सीरीज में। तो अभी जितने क्वेश्चंस है मोर और लेस 700+ क्वेश्चंस प्रेजेंट है MCQ, MSQ, NAT। इस एग्जाम का जो फॉन्ट है वो IIT जैम केमिस्ट्री एग्जाम के फॉन्ट के सेम टू सेम है। अगर आप चाहो आप मोबाइल से एग्जाम दे सकते हो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, अगर आप चाहो आप लैपटॉप या PC से भी एग्ज़ाम दे सकते हो, और अगर लैपटॉप और PC से दोगे तो आपको कैलकुलेटर की फैसिलिटी भी मिलेगी जो होता है IIT जैम का कैलकुलेटर जनरली, ठीक है। तो आपको सेम टू सेम फॉन्ट में अगर एग्ज़ाम देना है, एट द सेम टाइम आपको IIT जैम लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इजी केमिक्स आपके लिए लेके आया है पूरा का पूरा मॉक टेस्ट सीरीज। जैसे कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि क्वेश्चंस चैप्टर वाइज जितने भी टेस्ट थे सारे कंप्लीट हो चुके हैं, दो फुल मॉक टेस्ट प्रेजेंट है, और हर रोज़ एक एक टेस्ट में अपलोड कर रहा हूँ फुल टेस्ट। तो आप टोटल 1740 क्वेश्चंस सॉल्व करोगे, एग्जैक्ट नंबर में बता रहा हूँ जैम एग्जाम से पहले। तो इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, या फिर जब आप रिविजन कर रहे हो एट द सेम टाइम क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा ओके जो मैं रिविजन कर रहा हूँ क्या उस रिविजन के थ्रू क्वेश्चन में सॉल्व कर सकता हूँ, अगर हाँ तो दैट मीन्स मैं जैम में भी सिमिलर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन IIT जैम लेवल के है। तो टाइम वेस्ट मत करो, जितनी जल्दी हो सके आपके दोस्त के साथ आप भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। और इतना ही नहीं, आपको जनवरी के फर्स्ट वीक के बाद आपको लाइव आके मैं सारे के सारे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूँगा। देखो आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन 50-60% का सॉल्यूशन ऑलरेडी वहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ पे एग्जाम के बाद आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, लेकिन मैं सारे के सारे सॉल्यूशंस वीडियो लेक्चर के थ्रू आपको समझाऊंगा, लाइव आके उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, आपका लाइव डाउट क्लियर होगा उस टाइम पे। तो आप एक मॉक टेस्ट के बहाने से आपका पूरा डाउट भी क्लियर कर सकते हो जो जनवरी के फर्स्ट वीक के बाद स्टार्ट होगा, क्योंकि तब आप बस रिविजन करोगे, और रिविजन करते वक्त डाउट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, छोटी सी छोटी चीज़ें, क्योंकि आपके एग्जाम में छोटी सी छोटी चीज़ें पूछी जाएगी। तो आप टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, क्योंकि एज न्यू ईयर है तो मेरी तरफ से इजी केमिक्स की तरफ से आपको एक न्यू ईयर ऑफर मिलेगा। जो भी कोर्स आप परचेस करोगे एलोंग विद द मॉक टेस्ट सीरीज आपको 50% डिस्काउंट्स मिलेंगे। तो आपको जो कूपन कोड सिलेक्ट करना है वो मैं यहाँ पे नीचे दे रहा हूँ, आप देख लो, ये कूपन बस वहाँ पे अप्लाई कर दो, आपको 50% डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। तो वही चीज़ें जो बाकी स्टूडेंट लिए थे, अभी आप पूरा सिलेबस कवर करने के बाद जब रिविजन कर रहे हो आपको हेल्प मिलेगी बहुत ज़्यादा। बेंजीन बस स्टूडेंट तो सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं एक एक करके, आपको भी मिलना चाहिए, आप भी पीछे मत रहो, आपको भी रिविजन करना है बहुत जल्दी से, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करोगे गलतियाँ पकड़ में आ जाएंगी। मैंने क्यों पहले वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि पहले सिलेबस खत्म होगा उसके बाद ही प्रैक्टिस करोगे तो इफेक्टिव होता है। पहले से प्रैक्टिस करके क्या करोगे, डर जाओगे आप, जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे आप डर जाओगे, इसीलिए प्रैक्टिस करना सिलेबस खत्म करने के बाद होता है। दैट्स ऑल, अभी मिलते हैं बेंजीन बैच पे मॉक टेस्ट सीरीज में। ज़्यादा सोचो मत, जितना सोचोगे आपके कंपिटिटर आपसे उतने ही आगे चले जाएंगे, ठीक है। तो जाओ, भूलना मत कूपन कोड के बारे में, ठीक है। तो मैं नीचे दे रहा हूँ वो, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी उसको चेक कर सकते हो। मिलते हैं बेंजीन बैच की उस तरफ मॉक टेस्ट में। बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस।